वालेकुम स्टूडेंट्स उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे आपने कभी परफ्यूम लगाया है मुझे तो परफ्यूम्स लगाना बहुत अच्छा लगता है बिकॉज़ दे मेक मी स्मेल गुड पर जब आप परफ्यूम लगाते हैं कभी आपने नोट किया है कि अगर आप कमरे में परफ्यूम लगाएं और कमरे से निकल जाएं तो थोड़ी देर बाद अगर कमरे में कोई वापस आएगा तो तब भी उसको परफ्यूम की सेंट या फ्रेगरेंस स्मेल आएगी उसको ऐसा क्यों होता है वेल केमेस्ट हाइपोथाइज दैट इट इज मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स एंड दैट दीज पार्टिकल्स आर मूविंग इसीलिए हमें सेंट की स्मेल आती है आपको ये पता है कि जो पोलन ग्रेन होते हैं वो पानी में कैसे मूव करते हैं द ग्रेन्स ऑफ पोलन मूव ड्यू टू दॉटर पार्टिकल्स बंपिंग इन टू दिम कॉलिंग मूवमेंट इसके पीछे एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है इन 1927, अ स्कॉटिश बॉटनिस्ट नेम रॉबर्ट ब्राउन बिगे एग्जामिनिंग ईच प्लांट पोलन अंडर अ माइक्रोस्कोप ही ऑब्जर्व टाइनी पोलन ग्रेन्स वर प्लेस्ड इन वाटर दे सीम टू बी मूविंग उसको लगा कि शायद ये इसलिए मूव कर रहे हैं क्योंकि ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं बट जब उसने डेड पोलन को एग्जामिन किया तो ही फाउंड द मूवमेंट स्टिल टू बी प्रेजेंट देयर Further, he looked at coal dust and other tiny particles of non living matter and saw that they too were moving. particles alive, then how are they moving? Robert's answer question answered. But many years after Brown's death, a hypothesis was proposed to explain this movement this contributed to what we know today as the kinetic particle theory of matter or aaj hum ke discuss pata that anything that has mass and takes up space is called matter this includes the air sea earth all living creatures and even the sun and the stars it's the stuff that makes up the universe और आपको यह भी पता है कि मैटर के नेचुरल कितने स्टेट्स हैं जी हां फोर अ ग्लास होल्ड्स एच टू ओ इन थ्री स्टेट्स ऑफ मैटर आइस विच इज सॉलिड वाटर विच इज लिक्विड इन वेपर विच इज गैस एंड अ फोर्थ अनकॉमन स्टेट ऑफ मैटर ऑन अर्थ इज नोन एज प्लाज्मा इट इज अ हाईली चार्ज पार्टिकल्स विद एक्सट्रीमली हाई कनेटिक एनर्जी चलें सॉलिड लिक्विड और गैसेस की कुछ प्रॉपर्टीज पर गौर करते हैं सबसे पहले हमारे पास आता है सॉलिड ऑल सॉलिड्स हैव सम कॉमन प्रॉपर्टीज सॉलिड्स हैव फिक्स शेप एंड वॉल्यूम दे कैन नॉट बी कंप्रेस्ड एंड दे डू नॉट फ्लो बट सम सॉलिड्स आर हार्ड वैल अदर्स आर सॉफ्ट लेट्स कम टू लिक्विड्स इनकी कॉमन प्रॉपर्टीज ये हैं दे हैव फिक्सड वॉल्यूम दे डो नॉट हैव फिक्स शेप

कि सम गैसेस आर कलर्ड वेल अदर्स आर कलरलेस अब हम बात करेंगे उस थे ऑफ मैटर की साइंटिस्ट बिलीव दट ऑल मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स दे आइडियाज अबाउट पार्टिकल्स मेक अप द काइनेटिक पार्टिकल थेरी ऑफ मैटर काइनेटिक मीन्स मूवमेंट इस थियोरी के कुछ मेन पॉइंट्स हैं विच आर नंबर वन पार्टिकल्स आर डिस्क्रीट and are too small to be seen directly number two there are spaces between particles of matter the amount of space between particles is different in solids liquids and gases and number three the particles of matter are in constant random motion particles move at different speed in solids liquids and gases Kya aapko pata hai? which source of evidence proves that matter consists of small moving particles हम पहली परफ्यूम वाली एग्जाम्पल पर चलते हैं वेन वी ओपन अ बॉटल ऑफ परफ्यूम वी कैन सून् स्मेल द सेंट ऑफ द परफ्यूम सम इनविजिबल पार्टिकल्स ऑफ परफ्यूम स्प्रेड थ्रू आउट द एयर एंड ऑल्सो टू ऑल द पार्ट्स ऑफ द रूम लाइक दिस फिना द स्प्रेडिंग एंड मिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स इन लिक्विड एंड गैसेज कॉल्ड डिफ्यूजन दिस इज द बेस्ट सोर्स ऑफ एविडेंस क्या आपको पता है कि डिफ्यूजन हमारे इर्गिद हर जगह है वाटर पोल्यूशन में भी है the colored pollutant diffuses slowly through the water to affect the fish and other living things in the lake smell may be our diffusion aati hai. we can smell things such as fruits and flowers from a distance because they release particles that diffuse through the air and reach our nose aapne pe no smoking signs dekhe and specifically fuel stations pe ye isiliye because fuel vapor can diffuse through the air and ignite about Contact with a naked flame. Students kya aapko lagta hai that the movement of the pollen grains would be faster if warm water was used? This question is explained by the phenomena, of the effect of temperature. When matter is heated, the particles of matter absorb energy which causes them to move faster. Therefore, the higher the temperature, the faster the particles move, and so the faster is the rate of diffusion. स्टूडेंट्स यू नो वेरी वेल दैट पार्टिकल्स आर टू स्मॉल टू बी सीन एंड साइंटिस्ट यूज फिजिकल मॉडल्स टू शो द अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स एंड सॉलिड्स लिक्विड एंड गैसेज दीज आर कॉल्ड पर्टिकुलेट और पार्टिकल मॉडल्स ऑफ मैटर फ्रॉम द कानेटिक पार्टिकल थेरी साइंटिस्ट हैव कंस्ट्रक्टेड द पर्टिकुलेट मॉडल्स फॉर अ सॉलिड अ लिक्विड एंड अ गैस जैसा आपके सामने नजर आ रहा है स्टूडेंट्स आपको याद होगा दैट वी हैव ऑल्सो स्टडी दिस दैट मैटर कैन इजीली चेंज द स्टेट और आपको पता है कि ये आइडिया किसने दिया था अबाउट द पार्टिकल मॉडल ऑफ मैटर मोर देन टू थाउजेंड ईयर्स अगो इन ग्रीस अ फिलोसफर नेम डेमोक्रेटस सजेस्टेड दैट मैटर इज मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल्स टू स्मॉल टू बी सीन ही थाट दैट इफ यू केप्ट कटिंग सबस्टेंट्स इन टू स्मॉलर एंड स्मॉलर पीसेज बिल्डिंग ब्लॉक्स मैटर मेनी ईयर्स लेटर साइंटिस्ट बैक टू डेमोक्रेटिस आइडिया एंड एडेड टू इट दी टेवलप इस कॉल द पार्टिकल मॉडल ऑफ मैटर अच्छा आपने कभी सोचा है कि एक फ्राइंग पैन के अंदर अगर आप मक्खन डालें तो वो थोड़ी देर बाद मेल्ट क्यों होगा अगर आप फ्रीजर से आइस निकाल के बाहर रखें तो वो थोड़ी देर बाद मेल्ट क्यों हो जाएगी अगर आप अपनी मज़ेदार चॉकलेट्स निकाल के बाहर धूप में रख दें तो थोड़ी देर बाद वो मेल्ट क्यों हो जाएंगी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज दैट दे चेंज फ्रॉम अ सॉलिड टू अ लिक्विड स्टेट विच इज़ नोन एज मेल्टिंग एंड द टेम्परेचर एट विच ए सॉलिड बिकम्स अ लिक्विड इज कॉल्ड द मेल्टिंग पॉइंट जिस तरह आइस मेल्ट होती है एट ज़ीरो डिग्री सेंटीग्रेड अब मेल्टिंग होती कैसे है as energy is added in the form of heat the kinetic energy of the particles increases the vibrations of the particles become more and more violent until the solid finally begins to break apart or melt aur melting a reverse process ha freezing which is the change from a liquid to a solid jaise pani freeze the temperature at which a liquid becomes a solid is known as the freezing point. Students, the particles in the liquid lose kinetic energy. The particles begin to move more slowly as the temperature decreases. The particles are overcome by the force of attraction and no longer move freely. Then the particles settle into a fixed and orderly positions. Now the substance is a solid. Or agree liquid. एक गैस में बदल जाए तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं हम उस प्रोसेस को हम कहते हैं बॉयलिंग एन द टेम्परेचर एट विच बॉइलिंग कॉल्ड द बॉइलिंग पॉइंट एंड डिपेंड्स ऑन द पर्टिकुलर नेचर ऑफ द सब्सटेंस मिसाल के तौर तो पे वाटर हमेशा 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर बॉयल होता है एंड व्हेन वाटर इज बॉयलिंग इट ट्रांसफॉर्म्स इनटू अ वेपर कॉल्ड वाटर वेपर अब ये प्रोसेस होता कैसे है द पार्टिकल्स इन द लिक्विड एब्जॉर्ब एनर्जी the particles move faster as the temperature increases the particles then have enough energy to overcome the force of attraction holding them together and so the particles spread further and further apart and become more free that substance is now a gas ab test episode question number 1 name the particles which make up matter a. Nonmetals B. Metals C. Metalloids D. Atoms The correct answer is D. Atoms. Number 2. Which of the following is the property of solid? A. Can be compressed B. Have definite shape C. Have low density D. Intermolecular force is less the correct answer is B. Have definite shape. Number 3. Which of the following is a property of diffusion? A. Slowest in liquids. B. Fastest in gases. C. Based on motion of particles. D. All of the above. The correct answer is D. All of the above. Question number 4. True or false? solids have fixed volumes true solids and liquids cannot be compressed false all particles move at the same speed false students agli episode tak apna bahut khayal allah hafiz